उत्तराखंड में एक और जहां कोरोना के मामलों में रोज इजाफा हो रहा है, वहीं उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर, मशीनों की खरीद को वित्तीय स्वीकृति मिली है। कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए मशीनों की खरीद को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर ये स्वीकृति 11.25 करोड़ रुपये किए गए मंजूर। प्रत्येक जिले में मशीनें पहुँचाई जाएंगी। ट्रूनेट मशीनों का जिक्र हो रहा है, 3.75 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर में खरीदी जाएंगी मशीनें। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, देहरादून और श्रीनगर में ये ट्रूनेट मशीनें लगेंगी। पंकज पवार, ब्यूरो चीफ, देहरादून, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ऐसे में टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाना है और ये लक्ष्य शायद प्रदेश सरकार ने रखा हुआ है, ट्रूनेट मशीनों की खरीद होगी? बिल्कुल, अगर कहा जाए तो आज जो शाम तक जो आंकड़े आने की संभावना है वो लगभग 3000 पार हो जाएगा उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा। ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जाए और ट्रूनेट मशीनें जो हैं वो पूरे हर जिले में लगाने की मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अब किसी खास अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो उसको देखते हुए 11.25 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, जिससे इन तमाम जिलों में ये मशीन रखी जाएगी। इसके अलावा अगर कहा जाए तो देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 3.75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, तो यहाँ पर भी टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए और मशीनें लगाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाए, जिससे अगर ज्यादा मामले सामने भी आए तो उनके भी इलाज किए जा सके। जी पंकज, मौजूदा स्थिति में अगर ये देखा जाए कि कोरोना जिस तरीके से पैर पसार रहा है, टेस्टिंग की व्यवस्था कैसी है और किस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं दिन में और आगे कितना लक्ष्य रखा है सरकार ने इन मशीनों के जरिए? वर्तमान में अगर सैंपलिंग की बात की जाए पंकज, तो बहुत ज्यादा सैंपलिंग नहीं हो पाई है और प्रदेश में अगर बेहद 1 लाख से में अगर लोगों को गिना जाए कि अगर 1 लाख लोग हैं उनमें से केवल 500 लोगों की सैंपलिंग या टेस्टिंग हो रही है, तो ये अपने आप में बेहद नाकाफी नजर आती है। तो ऐसे में सरकार की एक कोशिश है और अभी तक का जो आंकड़ा है वो लगभग 50,000 की ही टेस्टिंग हुई है, 50,000 की टेस्टिंग और सैंपलिंग हुई है, जिसमें 3,000 अभी तक पॉजिटिव आने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि आज शाम तक 3,000 पूरे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में टेस्टिंग और सैंपलिंग में और इजाफा किया जाए, अगर ज्यादा मामले सामने आते हैं तो उनका किस तरीके से इलाज किया जाए और कम्युनिटी सर्विलांस किया जाए, तो ये तमाम चीजें सरकार की हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कब तक ये ट्रूनेट मशीनें जिलों में लगती हैं, कब तक वहां पर भी ये टेस्टिंग शुरू हो पाती है। जी पंकज, चलिए पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।